नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, IBPS PO 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन में सबसे अच्छी ये बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बाकी जो पिछले साल जो वैकेंसीज थी उससे काफ़ी बढ़ गई हैं। तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप बैंक में PO बनना चाहते हैं, इसलिए आपको आज ही से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए। और आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई मुझे तैयारी कैसे करनी है। आपको एक रोड मैप पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे IBPS PO 2022 के बारे में कि आपको कैसे तैयारी करनी है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, मॉक टेस्ट से आपका स्कोर कैसे इंप्रूव हो सकता है। मैं कुछ डेली टास्क बताऊंगा आपको जिससे आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो। डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, प्री मेंस के एग्जाम डेट्स क्या है और वैकेंसी डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू में कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम डेट्स क्या है, उसके बाद में हम लोग हमारी तैयारी का रोड मैप बनाएंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। साथ ही स्पीड की एक प्रॉब्लम आती है उसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगा मैं। उस चीज़ को फॉलो अगर आप करोगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही मॉक टेस्ट के बारे में और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। तो देखो, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लिखी गई है और हर बैंक की लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई स्टेट वाइज वैसे फॉर्म भरना नहीं है, सारी वैकेंसी एक साथ ही होंगी। तो लगभग जो टोटल वैकेंसी है ना वो 6432 है। ये इधर वाली जो वैकेंसी है ना ये अलग है पहले की है, लेकिन आप जिन पे फाइट करोगे वो लगभग 6500 मान लो या 6432 के आसपास वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं IBPS PO में इस बार पिछली बार के मुकाबले। तो आपको एकदम से सीरियस होकर अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार अगर किसी ने दिया तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार है। ठीक है, तो 6432 के आसपास आपकी वैकेंसी हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो क्वालिफिकेशन में अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कोई सही यूनिवर्सिटी से या फिर सही जगह से, मतलब आपकी ऑथेंटिक डिग्री है ग्रेजुएशन की, तो आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसके अलावा कोई स्पेसिफाइड डिग्री नहीं है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो सकती है आपकी। ठीक है, एज का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज आपकी 20 साल और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल की यहाँ पे दी गई है। तो आपका जो जन्म है ना वो 2/8/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2 अगस्त 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना आप 20 से 30 के बीच में नहीं आएंगे। अब कुछ कुछ जो कास्ट होती है ना उसको मैक्सिमम एज में फ़र्क दिया जाता है, जैसे 30 साल की जगह अगर आप 35 के हो तो भी एग्ज़ाम दे सकते हो, तो वो कास्ट के हिसाब से होता है। जैसे शेड्यूल कास्ट को 5 साल का दिया जाता है, यानी 35 साल तक के आप भर सकते हो। ठीक है ना, SC ST को, OBC वाले को जो नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं उनको 3 साल यानी 33 साल तक की उम्र है तो भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ऐसे कैटेगरी वाइज कुछ यहाँ पे वो दिया गया है। जो एक्स सर्विस मैंस होते हैं उनको भी यहाँ पे 5 साल का लगभग वो दिया गया, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसके अंदर आप देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो मैक्सिमम एज जो 30 साल है ना उसमें आपको कुछ छूट मिल सकती है कैटेगरी के हिसाब से। ये तो वैकेंसीज की बात हो गई। अब मुद्दा आता है एग्ज़ाम डेट्स का, क्योंकि सबसे पहले हमें एग्ज़ाम डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास माइंड में क्लियर विजन होना चाहिए कि भाई इतना टाइम मेरे पास में है तो इतने टाइम बचे हुए टाइम में मैं इस हिसाब से तैयारी करूँगा, तो ऐसे मेरी तैयारी कम्प्लीट। क्योंकि वो टाइम एक टारगेट बनाने के लिए, कि भाई एक रास्ता बनाने के लिए इतना टाइम है और ये तैयारी करनी है, उसके लिए एग्ज़ाम डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाथ में टाइम कितना है, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो प्री एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर आपका स्पेसिफाइड डेट नहीं दी गई है, लेकिन अक्टूबर 2022 के अंदर हो जाएगा प्री एग्ज़ाम। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड वीक के आसपास मान के चलो, आप लोग बीच में मान के चलो। ठीक है, जो मेन का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर में होगा। तो आपके पास में जो टाइम बचा हुआ है वो आपके पास में अगस्त सितंबर, 2 महीने पूरे पूरे बचे हुए हैं आपके, और अक्टूबर का 1 या 2 वीक मान लो आप लोग प्री के लिए बचे हुए हैं, 2 से 2.5 महीने आपको प्री के लिए बचे हुए हैं। मेंस तक जाओगे तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने और बचे हुए हैं, यानी कि 4 महीने। तो लगभग अगर प्री से लेकर मेंस तक दिसंबर तक का अगर आप टाइम देखोगे तो अपने पास में अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और दिसंबर के भी कुछ दिन मिल जाएंगे आप लोगों को। तो 4 महीने तो पूरे पूरे हैं, उसमें आधा टाइम आप प्री की तैयारी कर लो और फिर आपको मेंस की तैयारी करने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी कि भाई एक माइंड सेटअप होता है, बैंक की तैयारी तो बहुत डिफिकल्ट होती है भाई, मैं बताता हूँ। अगर आप अच्छे से सही तरीके से सही रोड मैप पर चल के तैयारी करोगे तो 4 महीने काफ़ी होते हैं बैंक एग्जाम क्रैक करने के लिए, बहुत लोगों ने करे भी है। ठीक है, तो आपके पास सफिशियंट टाइम, अगर आज से भी आप चलना स्टार्ट करोगे, आप पहले से तैयारी करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आज से भी करोगे तो आप ये मान के चलो आपके पास में बहुत अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है अगर आप प्रॉपर वे के अंदर तैयारी करोगे। और कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में आगे बात करेंगे।
सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ जिनको नहीं पता है उनके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, यानी एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और 20 मिनट आपको सेपरेटली इसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 नंबर के होते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 नंबर के होते हैं और 20 मिनट दिए जाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी चॉइस है कि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, हिंदी पढ़ना चाहते हो, आपको दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन मिलेगा। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज के अंदर मैथ्स और रीजनिंग के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात आ जाती है मेंस की। मेंस के अंदर अगर बात करूँ तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो यहाँ मान के चलो कंप्यूटर तो नाम मात्र का ही आता है, आता ही नहीं है, तो आप मान के चलो पूरा सेक्शन रीजनिंग का ही है लगभग लगभग, ठीक है। और इसके अंदर आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं और 60 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी आपका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा, आपकी जो मर्जी है उस मीडियम में आप लोग पढ़ सकते हैं। और 60 मिनट का आपको सेपरेट टाइम दिया जाएगा। तो देख लो आप 45 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइम है, इसका मतलब क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर आपको 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखे होंगे ये भी, और 35 मिनट मिलेंगे और ये सफिशियंट टाइम है आपका जीएस एक्शन के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 35 आएंगे, 40 नंबर के होंगे और 40 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। क्या आएगा सिलेबस क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट होता है मेंस के अंदर वो डीआई आता है, तो इसलिए यहाँ पे डीआई लिखा गया है। लेकिन आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ डीआई सीख जाऊंगा तो उससे काम हो जाएगा, अर्थमेटिक बिना काम चलेगा, अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड डीआई आ जाती है, कोई टाइप की डीआई आ सकती है वहाँ पे, और वैसे टॉपिक के क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि लिखा हुआ ही डीआई है, बाकी आपको पढ़ना पूरा ही क्वांट है, ठीक है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा होगा उसके अंदर, ठीक है। और लेवल सबसे अच्छा लेवल जो आएगा मेंस के अंदर वो क्वांट का ही आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और 60 नंबर के होंगे सोचो आप, और 45 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 155 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दे दिया जाएगा। इसके अलावा मेंस के अंदर आपको टाइप करना होता है, तो आप ये मत सोचो मेंस के अंदर ये जो 2 घंटे 3 घंटे खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और देना है इंग्लिश का, जिसमें आपसे लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग लिखवाई जाएगी। दो ही क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे पूछा जाएगा, एक लेटर पूछा जाएगा, और 25 नंबर के होंगे ये दोनों के दोनों। 30 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा, टाइम बहुत होता है। अगर आपकी नॉर्मल सी स्पीड है ना तो भी आप टाइप कर लोगे, तो टाइपिंग वाइपिंग की टेंशन नहीं लेनी है आपको, तो सीखना है कि भाई किस तरीके से लिखा जा सकता है, और एग्जाम से पहले 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखने की अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा मेंस का पैटर्न है। अब आ जाते हैं हम सिलेबस के ऊपर। देखो प्री के सिलेबस की अगर बात करूँ तो आजकल हो क्या रहा है, किसी शिफ्ट में कोई टॉपिक छूट जा रहा है, किसी शिफ्ट में कोई टॉपिक पूछ लिया जा रहा है, तो यहाँ मैं सारे टॉपिक ही लिख दूंगा। आपके 35 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे रीजनिंग के अंदर, 20 मिनट का टाइम होगा। तो हमारे पास में सबसे पहले तो हम सोचने से पहले कि भाई हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि भाई मेरे पास में 35 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट का मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ समय यहाँ पे दिया जाएगा, तो मैं कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करूँ, ठीक है ना, अगर ये सिलेबस आता है तो। अब इसमें एक चीज़ देखना, किसी शिफ्ट में कोई टॉपिक पूछ लिया जाएगा, किसी में कोई स्किप हो जाएगा, उसका पैटर्न क्या रहता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 15 से 20 क्वेश्चन यानी 3 से 4 सेट आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जाएंगे, मतलब 50% से ज़्यादा पोर्शन जो आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का होगा। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, डबल लाइन का सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। इसमें वेरिएबल ऐड कर दिया, किसी की फेसिंग आउटसाइड इनसाइड कर दी, वो सारे पैटर्न के आपके सिटिंग अरेंजमेंट। पजल में क्या क्या पूछा जा सकता है, टाइम बेस पजल पूछे जा सकते हैं, यानी कि डे बेस, मंथ बेस, और आपका ये ईयर बेस पजल पूछी जा सकती है। उसके बाद में कैटेगरी बेस पजल पूछी जा सकती है, उसके बाद में फ्लोर बेस पजल पूछी जा सकती है, बॉक्स बेस पजल पूछी जा सकती है, फ्लोर और फ्लैट एक साथ मिला के भी पजल पूछी जा सकती है। तो ये सारे पजल्स के सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप होते हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप पढ़े कहाँ से ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, तो हमारे यूट्यूब के ऊपर आप लोग जाके है ना प्लेलिस्ट देखना, आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे चैनल के ऊपर, जिसमें 20-20 लेक्चर, 15-15 लेक्चर आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे आप लोगों को, उसमें हर टॉपिक की अलग से आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवाई गई है, ठीक है।
ठीक है, तो पजल का पूरा कॉन्सेप्ट वहां से बेसिक से लेकर लास्ट तक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और पजल के अंदर स्पीड या टाइम का इश्यू कैसे खत्म हुआ, एक बात मान के चल लो आप लोग, पजल में आपको कोई भी टीचर अप्रोच सिखा सकता है, पजल को कैसे टैकल करना है वो बता सकता है, लेकिन आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं करा सकता वो, क्योंकि हर पजल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टीचर के दिमाग में जो आएगा वो बता देगा उस टाइम पे, आप एग्जाम में कौन सा स्ट्राइक करेगा कैसे करोगे कुछ नहीं पता, तो आपको अपनी अप्रोच टीचर के बताए अनुसार अपने अंदर उस अप्रोच को अप्लाई करने की एबिलिटी और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको रोज करनी पड़ेगी। तो इसमें स्पीड कैसे इंप्रूव होगी मैं आगे आप लोगों को जो डेली टास्क बताऊंगा रीजनिंग के उसमें इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे जनरली प्री में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलती है, कुछ हो सकता है कुछ अलग पैटर्न भी देखने को मिले, लेकिन आप मान के चलो 90% ज़्यादा चांस ये है कि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेंगी। किसी शिफ्ट में इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी में नहीं देखने को मिलेंगे, आएंगे उसमें 5 क्वेश्चन पूरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रैंकिंग का 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिलोलिज्म के 5 क्वेश्चन, अब सिलोलिज्म भी ऐसा होता है किसी शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग दे दिया, किसी में सिलोलिज्म दे दिया, तो आपको तैयार पूरा करके जाना है क्योंकि आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में कौन सा आने वाला है, तो आपको तो मान के चलना है इसके 5 क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है ना। इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, इनमें वेरी करेगा थोड़ा सा, कोई एक टॉपिक किसी शिफ्ट से गायब हो जाएगा, कभी इनइक्वलिटी गायब हो जाएगा, कभी स्लोगा होगा, कभी कोडिंग डिकोडिंग, बाकी तो लगभग सारे टॉपिक यहाँ पे पूछे ही जाएंगे आपको। डायरेक्शन के आपके 1 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 1 से 3 क्वेश्चन, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन पूछ लिया, 1 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का पूछ लिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ब्लड रिलेशन को हटा ही दिया, डायरेक्शन का एक पूरा सेट दे दिया, उसके ऊपर बेस्ट 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपको तैयार दोनों चीज़ें करके जानी, और कोई कई शिफ्ट के अंदर दोनों चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। डाटा सफिशियंसी, ठीक है, कुछ कुछ शिफ्ट के अंदर डाटा सफिशियंसी पूछी जाएगी, कुछ में नहीं पूछी जाएगी, 0 से 5 क्वेश्चन। डाटा सफिशियंसी जो टॉपिक है ना, कुछ नया टॉपिक नहीं है, ये वही टॉपिक है जो ऊपर लिखे हुए हैं, बस इसमें पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो एक बार चैनल पर जाके वीडियो देख लेना, डाटा सफिशियंसी क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें अलग से कुछ तैयार करना नहीं होता है। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस, कुछ अल्फाबेट के ऊपर क्वेश्चन, कुछ नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस के भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस होता है। अब बात आती है टाइम बचाने की, तो मैंने आपको एक चीज़ तो ये बता दी कि पजल और सिटी कैसे, अब मैं बताऊँ कोडिंग डिकोडिंग में एक 3 रूल सिस्टम होता है, अगर आप उस 3 रूल सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग 101% इंप्रूव हो जाएगा, और 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेंगे। और जो लोग अभी कोडिंग डिकोडिंग का वो जो 3 रूल सिस्टम जो मैंने बना के आपको दिया है, जिसके वीडियोज अपलोड किए हैं, वो अप्लाई करके आप कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो 2 मिनट से कम में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो कमेंट करें ताकि दूसरों लोगों को भी विश्वास हो कि हाँ भी हो सकते हैं 2 मिनट से कम के अंदर, अगर आप सही अप्रोच से जाएं तो। उसके बाद में बात करें जो बड़े बड़े टॉपिक की बात कर लेता हूँ, सिलोलिज्म बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, ओनली फ्यू आ जाता है तो और कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसको बड़े ही सुलझे हुए तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर किसी को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सिंपल सा लिख देना, सिलोलिज्म वरदान बेच बैंकर्स पॉइंट, बस इतना यूट्यूब पे लिख दोगे, एक वीडियो आएगा 2-3 घंटे का, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपका सिलोलिज्म, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वलिटी, तो आप लोग 1 मिनट में ही 5 क्वेश्चन लगा सकते हो, अगर सही अप्रोच करोगे तो 2 मिनट के अंदर सिलोलिज्म के 5 क्वेश्चन भी आराम से लग जाएंगे। इनइक्वलिटी अगर आ गया आपके शिफ्ट के अंदर तो 1 मिनट में ही 5 क्वेश्चन लग जाएंगे आप लोगों के। ओपन गेट क्लोज गेट जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, 10 लाख 20 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, मतलब बहुत सारी वीडियो अगर मिला लेंगे तो 50 लाख से ज़्यादा भी होंगे सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा मेथड है जो सबसे बेस्ट मेथड है, इसके अलावा बेस्ट मेथड कोई है ही नहीं इस टॉपिक में, तो एटलीस्ट तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो नए लोग हैं उनको भरोसा नहीं होगा, सर 1 मिनट में कैसे हो सकते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं वो बताओ, अगर सही अप्रोच सीखो तो सही उस अप्रोच को, उसके बाद में 1 मिनट में पक्का 5 क्वेश्चन होंगे। डायरेक्शन ब्लड रिलेशन में भी अगर आपने सही से ब्लड ट्री और डायरेक्शन में डायग्राम अगर फटाफट बनाना सीख लिया, और अगर आपको लेफ्ट राइट की क्लियरिटी है डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शंस की क्लियरिटी है ब्लड रिलेशन में, आपको ब्लड ट्री फास्ट बनाना आता है तो उसके बाद में कोई भी जरूरत नहीं, आप लोग फास्ट फास्ट क्वेश्चन कर सकते हो, 1-2 मिनट के अंदर इनके क्वेश्चन भी निपटा सकते हो आप लोग। डाटा सफिशियंसी में ऊपर वाले टॉपिक में से डिपेंड करता है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उस हिसाब से टाइम लगेगा, अगर ऊपर वाले टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हो, आप टाइम बचा रहे हो, तो इसमें भी आप लोग आराम से कम टाइम में ही क्वेश्चन कर लोगे। तो कुल मिला के बात ये, सही अप्रोच सीखनी है, सही अप्रोच और सही ट्रिक सीख ली ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर टाइम की प्रॉब्लम आएगी आएगी, और उसके बाद में प्रैक्टिस तो आपको करनी करनी है। मेंस की मैं बात करूँ तो मेंस में बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं आने के लिए, ये मैंने लास्ट ईयर मेंस में क्या आया था वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने प्री में तो जो जो संभावना हो सकती सारी बता दी, यहाँ भी मैं बताऊँगा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, साथ में समझना भाई ऐसे लिख दूँ सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो वही आप लोगों के ओवरऑल जो क्वेश्चन आए थे उसमें से 25 क्वेश्चन तो आप लोगों के क्या ही आ गए थे,
पजल सेटिंग अरेंजमेंट के आ गए थे, तो मेन तो वही है। अब इसमें क्या होगा, पजल सेटिंग अरेंजमेंट का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड रिलेशन के साथ में पजल सेटिंग अरेंजमेंट दे देगा आप लोगों को, डायरेक्शन के साथ में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के साथ में पजल मिक्स करके दे देगा, मतलब कई तरीके से पजल को मिक्स कर दी जाएंगी, ठीक है। तो उस तरीके से पजल और सेटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के साथ या और किसी टॉपिक के साथ में थोड़ा मिक्स करके थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा के आप लोगों के सामने मेंस के अंदर दे दिया जाएगा। डाटा सफिशियंसी का वही पैटर्न होता है। अब देखो, वहाँ नॉर्मल ब्लड रिलेशन आ रहा था, यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन आ जाएगा मेंस के अंदर। वहाँ नॉर्मल सिलोलिज्म आ रहा था, यहाँ कोडेड सिलोग्स आ जाएंगे। मशीन इनपुट आउटपुट तो मेंस का टॉपिक है ही, आता ही है। कोडेड इनइक्वालिटी भी, इनइक्वालिटी वहाँ नॉर्मल आती है प्री में, यहाँ कोडेड आ जाएगी। कोडेड डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पे, और मीनिंगफुल वर्ड के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन आए थे, और लॉजिकल रीजनिंग जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेंस का ये पैटर्न रहता है। अब देखो, इसमें आप बोलोगे कि सर कोडेड अगर आ गया ये सब कुछ, तो इसमें टाइम लगेगा, तो मेंस में टाइम ज़्यादा भी तो मिलता है हम लोगों को, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस इसको सीखना है अच्छे से। और अगर प्री वाला बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना, तो आप लोग आराम से कुछ चीज़ें सीख सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ, कोडेड इनइक्वालिटी के अगर 5 क्वेश्चन भी अगर आपके पास में आते हैं ना, तो 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन लगा दोगे, अगर आपने जो मैंने एरो मेथड अभी सिखाया है आप लोगों को वो अगर आपने देखा हो तो। तो अप्रोच सही होनी चाहिए, अगर अप्रोच सही है, प्रैक्टिस है परफेक्ट, तो टाइम की इशू नहीं आती है। अब आ जाते हैं हमारे डेली टारगेट्स के ऊपर। देखो, ये जो लिखे हुए हैं ना, इनको आप डेली टारगेट बना लो कि ये क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करने ही करने हैं। अगर PDF नहीं मिल रही है कहीं पे, तो हम जो क्लासेज आजकल ले रहे हैं उसके नीचे प्रैक्टिस PDF भी दी जा रही है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इंटरनेट में बहुत सारा कंटेंट का रिसोर्स है। बाकी हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है 100 Days PDF कोर्स, उसके अंदर जाओगे तो उसमें भी काफ़ी 60-70 PDF तो वहाँ पे अपडेट हो गई हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मानोगे तो 20-20 अगर 60 के आसपास टोटल मिला के PDF अपलोड भी हो गई हैं, तो वहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस तो इंटरनेट पे क्वेश्चंस कहीं से भी आप लोग निकाल सकते हो, किसी बुक को रेफर कर सकते हो, लेकिन कुल मिला के बात ये है, हमारी जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन लास्ट में कुल मिला के बात ये आती है कि आपको इतना प्रैक्टिस रोज करना है। इनइक्वलिटी के 25 क्वेश्चन रोज लगाने, हैबिट में लेके आना है उसको, फास्ट फास्ट करना, और टाइमर लगाए करने, सिलोजम के 25 क्वेश्चन करने, कोडिंग रिकॉर्डिंग के 25 क्वेश्चन करने, डायरेक्शन के 30 क्वेश्चन करने, ब्लड रिलेशन के 30 क्वेश्चन करने, ठीक है, रैंकिंग के 20 क्वेश्चन करने, और सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के 10 सेट रोज लगाने हैं। इसमें ध्यान रखना आप लोग, 7 सेट आप प्री के लगाएंगे और 3 सेट हमेशा मेंस के लगाएंगे, ठीक है। और इसमें जैसे इनइक्वलिटी है, तो वीक में 2 बार मेंस वाली जो कोडेड वाली लगा लेना, ऐसे ही कोडिंग रिकॉर्डिंग में जो मेंस की कोडिंग रिकॉर्डिंग होती है, वीक में 2 बार वो लगा लेना, 5 दिन वो कर लेना। तो डेली का टारगेट होना चाहिए। अब शुरुआत में क्या होगा, हो सकता है आप एक दिन में इतना ना कर पाए, तो शुरुआत में इसको 2 भागों में स्प्लिट कर लो, ठीक है, आपके हिसाब से। तो अल्टरनेट डे के ऊपर करो, एक दिन ये करना है, एक दिन ये करना है, फिर धीरे धीरे करके इसको मर्ज करते चले जाओ फिर, कि भाई एक दिन में ही करूंगा मैं सारा का सारा, स्पीड बढ़ जाएगी फिर टाइम के साथ में आपकी, क्योंकि अभी इंग्लिश का टारगेट भी आएगा और उसके बाद में आप लोगों का जो क्वांट का टारगेट भी आएगा। क्वांट की अगर मैं बात करूं, तो प्री के अंदर DI के आपके लगभग 3 सेट आते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं, तो 3 से 4 सेट आप लोगों के 15 से 20 बिल्कुल भी, कई बार 4 सेट भी आ जाते हैं, ठीक है ना। DI में क्या आएगा आप लोगों की मैं बता देता हूँ, पाई चार्ट, टेबल DI, लाइन ग्राफ, बायर ग्राफ, सिंगल सिंगल ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इन चारों ग्राफ के, जैसे पाई चार्ट हो गया, डबल पाई चार्ट दे देगा, या फिर लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और बार ग्राफ के साथ में टेबल दे देगा साथ में मिक्स करके। तो इस तरीके से एकदम सिंपल सी DI आती है प्री के अंदर, ज़्यादा डिफिकल्टी उसके अंदर नहीं होगी। साथ ही आपका कैसलेट DI भी पूछा जा सकता है। अब कई लोगों को कैसलेट DI के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कई लोगों को कैसलेट DI के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो जो कैसलेट DI है ना, उसको आप एक बार लिखना बैंकर्स पॉइंट कैसलेट DI, तो उसके काफ़ी सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। तो उस कैसलेट DI 2 टाइप की होती है, अगर आप उसको सही अप्रोच से सीखेंगे तो बहुत आसान है कैसलेट DI को करना, ठीक है, तो आप वहाँ से उसका कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। बाकी DI एकदम सिंपल होती है। अगर आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज तीनों टॉपिक क्लियर हो और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो आपका काम हो गया। वहीं पर DI में कुछ नया नहीं होता, बस डेटा निकालना होता है क्वेश्चन से, और नॉर्मल वही क्वेश्चन होते हैं जो परसेंटेज, रेशियो इनमें पूछे जाते हैं। सिंपलीफिकेशन के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिंपलीफिकेशन में ये होता है कि आप उठपटांग सिंपलीफिकेशन पढ़ते रहते हो इंटरनेट से, तो आपको परफेक्ट वही सिंपलीफिकेशन पढ़ने जैसे एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर कीजिएगा। उसके बाद नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आते हैं, एक मिसिंग भी आ सकती है, रॉन्ग वन आउट भी आ सकती है, ठीक है। तो मिसिंग या रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है, तो उसकी एक अप्रोच है सही, वो सीख रहे हैं आप लोग, वो तो अपने चैनल से सीख सकते हो आप लोग, ठीक है, उससे लॉजिक पता लग रहे हैं। अर्थमेटिक के जितने भी अपने टॉपिक हैं उसमें से 8 से 12 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं।
डाटा सफिशियंसी या फिर एक और चीज होती है इसमें Q1 Q2 टाइम, ठीक है। इसको अगर आप लोग ये जो टॉपिक है डाटा सफिशियंसी और Q1 Q2 टाइप, इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी शिफ्ट में आएगा किसी शिफ्ट में नहीं आएगा। किसी शिफ्ट में अगर ये आ गया Q1 Q2 तो वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा, कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो वहाँ पे Q1 Q2 नहीं मिलेगा, क्योंकि यही टॉपिक रिप्लेस होते हैं अगर कुछ आगे पीछे होता है उसके अंदर। तो यही सारी चीज़ें डाटा सफिशियंसी में कुछ नया नहीं होता है, वही अर्थमेटिक के क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है और उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बस अलग सा होता है। जैसे रीजनिंग में पूछता है वही पैटर्न यहाँ पे होता है, तो कई बार रीजनिंग में आ जाती है कई बार मैथ्स में आ जाती है डाटा सफिशियंसी। ये तो हो गया प्री का पैटर्न। अब देखो मेंस में ये जो लास्ट ईयर आया था ना, वो बता रहा हूँ मैं, मेंस में लास्ट ईयर 16 क्वेश्चन तो आपके डीआई के आगे थे। अब इसमें कोई भी टाइप की डीआई हो सकती है। डाटा सफिशियंसी के यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए थे और लेकिन उसमें तीन तीन स्टेटमेंट वाले थे, क्योंकि प्री में 2 स्टेटमेंट वाले आते हैं। क्वांटिटी कंपेरिजन वही Q1 Q2 टाइप के क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये तो लगभग ऐसे ही आएगा पैटर्न, आपके भी मेंस में ऐसा ही आएगा। उसके बाद में देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और मेंसुरेशन के लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। अब पिछली बार तो ये आए थे, ये 2 टॉपिक आए थे। अब आपके टाइम में हो सकता है टाइम एंड वर्क के आ जाएँ, प्रोबेबिलिटी के आ जाएँ, एवरेज के आ जाएँ, परसेंटेज के आ जाएँ, मिक्सर एलिगेशन के आ जाएँ, बोटन स्ट्रीम के आ जाएँ, ठीक है। कोई और टॉपिक आपका यहाँ पे अर्थमेटिक का पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो मेंस में क्वांट का ये लॉजिक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आपको सबसे पहले मैथ्स को इम्प्रूव करना है, सबसे पहले स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन स्पीड। तो 1 से लेकर 50 तक की टेबल भाई रटी हुई होनी चाहिए आपको। अब रटी नहीं जा रही है तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, और वो सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको रोज़ 1 से 50 तक की टेबल पढ़नी है। 25 तक तो याद ही होंगे सबको, उसके बाद में कुछ दिक्कत आती होगी, और रोज़ पढ़ोगे तो रट ही जाएंगी वो। कई लोग आपको तरीकों बताएंगे ऐसे कर लो वैसे कर लो, उन तरीकों में नहीं पढ़ना है भाई। एक वैल्यू देखिए और दिमाग में आनी चाहिए, वैसे रटे होनी चाहिए, और रटे हो सकते हैं। गाँव में जाओगे तो 8th 9th के सरकारी स्कूल के बच्चों 40-40 तक टेबल याद होती हैं, तो हम तो क्यों नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 महीने का याद हो जाएंगी। तो ये करना है, 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करने हैं, और 26 से 100 तक स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको आपको समझना है। अपने चैनल पर डली हुई है, देख लीजिएगा, ठीक है। क्यूब 1 से 50 से गलत लिखा हुआ है। 1 से 20 तक के आपको क्या क्यूब याद करने हैं और एकदम रट लेने हैं। एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल होती है, ठीक है ना। जैसे 16 से 2/3 को 1/6 लिखते हैं, 14 से 2/7 को 1/7 लिखते हैं, ठीक है। 33 से 1/3 को 1/3 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल होती है, उसका बड़ा यूज होता है कैलकुलेशन करने में। जब आप अर्थमेटिक पढ़ोगे सिंपलीफिकेशन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, डिटेल में पढ़ोगे तो वो टेबल आपको रोज रिवाइज करनी है, रट लेनी है उसको, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब रूट की जो ट्रिक होती है वो आपको सीखनी है फटाफट, 2-2 सेकंड में निकल जाते हैं ये, उसकी आपको ट्रिक बताओ नीचे बस। अगर कहीं पर कोई नंबर मान लो 1 से 20 तक में है तो ठीक है, वरना अगर मान लो क्यूब रूट स्क्वायर रूट किसी बड़े नंबर का भी निकालना है ना, तो 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड में ही आप निकाल सकते हो, उसकी ट्रिक पता होनी चाहिए। अपने चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, देख लेना, सर्च करके लिख देना स्क्वायर क्यूब रूट बैंकर्स पॉइंट लिख दोगे तो आ जाएगा। बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए आप लोगों को, सिंप्लीफिकेशन उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी है। अब ये तो हो गया आप लोगों का याद करने वाला पोर्शन। अब टारगेट क्या करना है, रोज के रोज 30 क्वेश्चन कम से कम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के पढ़ने हैं, 15 क्वेश्चन रोज क्वाड्रेटिक के लगाओ, नंबर सीरीज कम से कम 20 लगाओ, डीआई के कम से कम 10 सेट लगाओ, उसमें 7 सेट प्री के लगाने हैं आपको और 3 मेंस के लगाने, बाकी सब तो साथ साथ में प्री मेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। 20 से 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन भी लगा सकते हो, या फिर आप टॉपिक वाइज लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम के एकदम नजदीक जाओ तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। डेटा सफिशियंसी और Q1 Q2 टाइप को ना वीकली 30 क्वेश्चन निकालना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस भी होने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि मान लो इसके 5 का सेट आ गया तो इसमें कुछ नया नहीं होता है सीखने के लिए, इसलिए मैंने डेली नहीं दिया, वीकली 30 लगा लूँ तो कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ दूसरे टॉपिक के क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही में क्या हो जाएगा कि आपको इससे लिंक नहीं हटेगा, तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको फिर वो हैबिचुअल हो जाएगा। तो ये डेली टारगेट्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाए फिर इन सब चीज़ों की, ये क्वेश्चन आएंगे तो कुछ नया नहीं लगे एग्जाम के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का क्या सिलेबस है भाई, ठीक है। ये प्री मेंस, अब ये क्या भाई प्री मेंस कहाँ गया। देखो इंग्लिश में लगभग यही सारी चीज़ें आती हैं, प्री में भी यही आता है, मेंस में भी यही आता है, तो इसमें कोई प्री मेंस नहीं है। आपको ओवरऑल देखना क्या है मैं बता देता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक मतलब पैसेज आएगा। वर्ड स्वेप या सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इंटरफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 4। वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं, एक वर्ड की जगह दूसरी जगह फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं 5। क्लोज टेस्ट के 5 से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार क्लोज टेस्ट के, और सिमिलर मीनिंग वर्ड के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओवरऑल देख के आपको एक पता लग रहा है चीज़, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपकी ओके अच्छी है तो आपको पैसेज समझ में आ जाएगा, और आपकी रीडिंग फास्ट है तो आप जल्दी से कर लोगे इसको, ठीक है।
वर्ड स्वेप में क्या होगा, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप क्या कर पाओगे, वर्ड को मतलब समझ जाओगे, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में देखो ट्रिक्स भी होती है, जो आपको हमारे जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, अभी आप देख सकते हो पैरा जंबल या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट उन्होंने अपने काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हैं तो वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी कुल मिला के खेल रीडिंग का है, अगर आपको रीड करके समझ में आ रहा है तो आप लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट आराम से कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में दो तीन सेंटेंस ऊपर नीचे दे दें तो आप कर पाओगे, अगर हिंदी मीडियम के छात्र हो तो, वैसे इंग्लिश की रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो इंग्लिश में भी कर लोगे, ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट, ये भी आप लोगों का वोकैब पे बेस्ट है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है, इसमें भी अगर आप लोगों को फ्रेज रिप्लेसमेंट की प्रैक्टिस कर लो और वोकैब और रीडिंग अच्छी है तो फ्रेज रिप्लेसमेंट भी समझ में जल्दी आ जाता है। क्लोज टेस्ट पूरा ही वोकैब बेस है, ठीक है ना। सिमिलर विनिंग वर्ड वोकैब बेस है, तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे 80% प्लस जो खेल है ना सारा का सारा, वो है आप लोगों का रीडिंग प्लस वोकैब। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, रीडिंग की हैबिट है और वोकैब अच्छी है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ करना है रोज के रोज, वो मैं बताता हूँ, उससे आपको क्या हो जाएगा, डेली की डेली आप लोगों को हैबिट बन जाएगी, उससे आपकी ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। तो कुल मिला के आपको फोकस एक रखना है कि मुझे रीडिंग पे और वोकैब पे ध्यान देना है, मेरा मेन फोकस तो वहाँ होना चाहिए। बाकी ग्रामर के एरर के कुछ कुछ वीडियो जो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे या फिर हमारे जो पेड कोर्सेज में अगर आप बैच में पढ़ रहे हैं तो आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनसे आप ग्रामर वगैरह एरर वो सीखो, लेकिन मेन फोकस आपका वोकैब और रीडिंग पे होना चाहिए। जैसे आपको एक घंटा रोज रीड करना है, चाहे आप कुछ भी रीड करो इंग्लिश में, ठीक है, और उसमें अगर आपको कोई नई वोकैब मिलती है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आप लोगों को अपने डायरी में या फिर कोई बुक बना लो, उसके अंदर कोई कॉपी बना लो, उसमें नोट करनी है। तो रोज की रोज रीडिंग होगी एक घंटे, और साथ में उसके साथ में वोकैब भी इंप्रूव होगी अगर कुछ नया पढ़ोगे तो आप, तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की वोकैब और रीडिंग की हैबिट अच्छी बनेगी और वो ओवरऑल इंप्रूवमेंट के अंदर आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा आपको 20 वोकैब अलग से, इसके अलावा 20 वोकैब नए अपने दिमाग में नए रोज सीखने, ठीक है। एरर आपको 20 क्वेश्चन रोज करने, ताकि उसके रूल्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। पैरा जंबल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है भाई साहब, सेंटेंस अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, पैरा जंबल या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ताकि उसकी भी आपको हैबिट बनी रहे, क्योंकि 5 नंबर का आता है वो। फिलर्स एंड वर्ड स्वेप आपका, इससे भी आपकी वोकैब इंप्रूव होगी और साथ में उन क्वेश्चंस की हैबिट बन जाएगी, जैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कुछ नया नहीं लगेगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 30 क्वेश्चन करो, आरसी रोज 2 सोल्व करो, ठीक है, क्लोज टेस्ट 2 सोल्व करो रोज की रोज, तो इससे क्या हो जाएगा। और कोशिश करो शुरू में प्रीवियस ईयर के सारे करो ये सारी चीज़ें, और डेली प्रैक्टिस करो, बहुत भरमार इंटरनेट पर क्वेश्चंस के आप लिखो और एक एक वेबसाइट पकड़ते जाओ, उसको निपटाते चले जाओ, ठीक है, और रोज आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तो अपने आप देखना आप लोगों की इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपका स्पीड भी इम्प्रूव होगी। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल अवेयरनेस में 2 पार्ट होते हैं, एक तो करंट अफेयर का पार्ट होता है और एक आप लोगों का पार्ट होता है बैंकिंग का, जो नॉर्मल जो बैंकिंग होती है, बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी फाइनेंस अवेयरनेस। करंट अफेयर वाला जो पार्ट होता है ना, आप मान के चलो 70-80% यही आना है, और ये वाला जो पार्ट है फिक्स होता है 30 से 30% लगभग आएगा ये, ठीक है, ज़्यादा नहीं आएगा इससे, 30% से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेन चीज़ ये समझ में आती है करंट अफेयर पे फोकस करना है। तो आपको जिस दिन मेन एग्ज़ाम होगी ना, जैसे अपने दिसंबर में शेड्यूल्ड है, उससे पीछे के 4 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल रट लो, और उसके पीछे 6 महीने तक का ना कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, जैसे कोई नोबेल प्राइज़ हो गए या कोई ओलंपिक कोई गेम हुआ है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो उसके पीछे ही करनी है, 4 महीने का तो बिल्कुल रट लेना है। उसमें भी आपको कोई बैंक से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ मिल रही ना डेली न्यूज़ में, उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है, उसमें डेली की डेली आप करंट अफेयर पढ़ो। आज से स्टार्ट करोगे तो मेरे हिसाब से जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसकी डेट से स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के पास में लगभग 4 महीने के आसपास ही बचे हुए मेंस एग्जाम के, तो आज से ही पूरा आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप अगस्त से स्टार्ट करो, ठीक है, अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आएगा, साथ साथ होता चला जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में रोज का रोज लिखो। और आपको एक चीज़ और करनी है, जीके अपन भूल जाते हैं, तो आपको करना क्या है, जीके को हर 7 दिन में एक बार रिवीजन होना चाहिए पीछे का सारा। जैसे कि आज आपने आज का जीके लिख लिया, कल आपने कल का लिख लिया, परसों आपने परसों का लिख लिया, ऐसे 7 दिन लिख लिए, तो 7वां दिन जब होना तो वो पीछे का एक बार रिवाइज भी कर लेना पूरा का पूरा। उसके बाद में तो एक बार जो आपने डायरी में लिखी हुई चीज़ है ना, वो बहुत बार रिवाइज हो जाएगी आपकी, तो भूलोगे नहीं, एग्जाम में याद आ जाएगा,
ठीक है, और जब लास्ट में जब एग्जाम टाइम आ जाएगा तो वो सारी जो भी न्यूज़ है ना उनको आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लो, जैसे अवार्ड से एक तरफ लिख लिए, स्पोर्ट्स की न्यूज़ वो आप बाद में लिखो लास्ट के अंदर, तो एक बार और लिखोगे तो और क्लियरिटी दिमाग में बनेगी और साथ में वो याद हो जाएगा। प्री के बाद की बात कर रहा हूँ, प्री के बाद में जब मेंस के 10-15 दिन रहे तो एक बार लास्ट में ये कर लेना, इससे आपका जनरल अवेयरनेस कन्फर्म हो जाएगा। बैंकिंग वाले की कोई भी एक बुक ले आओ आप लोग, उससे बैंकिंग की जो नॉर्मल चीज़ें वो पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चन आएगा, कोई ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं आती हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जो प्री की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर, जनरल की आपकी 50.5 थी, SC की 44.50 थी, ST की आपकी 38 थी, OBC की 50.5 थी, EWS की 50.5 थी, और ये कैटेगरी और इसकी 20.75 थी, तो ये आपकी कट ऑफ थी। अगर मैं मेंस की कट ऑफ की बात करता हूँ तो 225 में थी ये, 80.75, 75.75, ये जनरल और OBC की मैंने बता दिया, बाकी SC की 65.5, ST की 57.75, EWS की 77.25, ये यहाँ पे आपको कट ऑफ गई थी मेंस की, ठीक है। तो ये आप लोगों की कट ऑफ थी, तो अपने हिसाब से ये माइंड सेटअप करना, और कट ऑफ देखो ऊपर नीचे होता रहता है, ये मान के मत चलना ये कट ऑफ आएगी, पेपर ईजी आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ गिर भी सकती है, तो कट ऑफ से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए कि इतने मार्क्स की तैयारी मुझे करनी करनी है। बाकी एग्जाम वाले दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन आपको यही सोच के जाना है कि मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है बस, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जितना मुझे आता है उस नॉलेज के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करना है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों से अच्छा पढ़ के गए, अच्छी प्रैक्टिस है, तो मेरिट से फ़र्क नहीं पड़ता, आप औरों से आगे ही रहेंगे अगर आप बेस्ट अपना वहाँ पे परफॉर्म करके आ रहे हैं तो, ठीक है। चलो तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। अब एक चीज़ होती है कि जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बनाता है। अब कई लोग क्या होते हैं मॉक टेस्ट को बिल्कुल गलत तरीके से ले लेते हैं, जैसे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, ये मॉक टेस्ट आपके नंबर मेजर करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो जो मॉक टेस्ट आ रहा है वो उस लेवल का वहाँ पे आएगा नहीं, वहाँ पे कुछ और ही आएगा, यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है। मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए और आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए है, और आजकल जितने भी मॉक टेस्ट बनाने वाले हैं सब लोग लेवल बहुत ऊपर रख रहे हैं, कुछ एक दो कंपनीज को छोड़ के, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा आप लोगों को एक डिप्रेशन में नहीं आना कि भाई कट ऑफ के पास ही नहीं जा पा रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं करना है। मॉक टेस्ट को देखो कैसे यूज करना है, जैसे पॉइंट लिखे हुए आप पढ़ लीजिएगा, मैं ओवरऑल एक बात समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे आज आपने मॉक टेस्ट में आपके 5 ही नंबर आए, 10 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस अगले मॉक टेस्ट में उससे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहले मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती है, जैसे इनइक्वलिटी आपको परफेक्टली आता है लेकिन फिर भी 4 ही सही हुए, 1 गलत हो गया सर, तो आप देखो वो एक गलत क्यों हुआ, कौन से सिली मिस्टेक उसमें की, सिंपलीफिकेशन में 2 सिंपलीफिकेशन गलत हो गई बिना बात की, तो आप देखो कौन सी सिली मिस्टेक की, मतलब कई बार हम लोग क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स की वजह से स्कोर गिर जाता है 5 से 10 नंबर, 5 से 10 नंबर में तो पूरा खेल ही बदल जाता है, 1-2 में बदल जाता है, तो उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए ही मॉक टेस्ट है। तो आज जो मिस्टेक की अगले मॉक टेस्ट में नहीं होने चाहिए, अगले मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक की वो उससे अगले में नहीं होने चाहिए, और कोई नया क्वेश्चन आ रहा है जिसका कॉन्सेप्ट आपने देखा ही नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाओ, और जो कॉन्सेप्ट आता था फिर भी गलत हुआ तो उसको तो बड़ी चिंता की बात है, क्यों गलत हुआ, तो आगे से वो गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार हम पढ़ते टाइम देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट करेक्ट है लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो हम गलत कर देते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको बताता है कि भाई तू गलत कर रहा है, इसको ऐसे सही कर इसको, तो धीरे धीरे जब आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देते चले जाएंगे तो आपकी सारी गलती, अगर आप उसका अच्छा से एनालिसिस करेंगे तो आपकी सारी गलती आप इंप्रूव करते चले जाएंगे, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होंगी, आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। तो मॉक टेस्ट को वैसे लेना है आप लोगों को, धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के अंदर मॉक टेस्ट को यूज़ करना है। बाकी मैंने पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिख रखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, तो आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से हमारी जो क्लासेज होती है, जो मैराथन क्लासेज में आजकल ले रहा हूँ, या फिर जो जितनी भी जो भी क्लासेज होती हैं उसका अपडेट आप तक मिलता रहेगा, ठीक है। साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट 2.0, कौन सी एप्लीकेशन है बता देता हूँ, बैंकर्स पॉइंट 2.0, ठीक है ना, 2.0 ध्यान रखना, इसको जरूर लिखना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, साथ में फ्री PDF वगैरह मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर अवेलेबल है, तो उसको भी आप अपनी तैयारी को बेहतर करने में एप्लीकेशन को और चैनल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। तो IBPS PO की जितनी भी आने वाली जो अपडेट्स हैं या फिर जो प्रैक्टिस शीट मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ वो सारी आपको मिलेंगी टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च बार में लिखना है @अंशुल सर, क्या लिखना है @अंशुल सर, ये लिखने के बाद में आपको एक ग्रुप आ जाएगा जिसका नाम होगा बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस की अपडेट, PDF वगैरह वो सारी जो चीज़ें वो वहाँ पे मिलती रहती हैं,
उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। बाकी इसके अलावा मैं आपके लिए IBPS PO की प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकता हूँ वो सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।